उधर भोपाल में एक युवक को देश विरोधी नारे लगाना भारी पड़ा। उस युवक ने एक रील बनाया, उसने सोशल मीडिया पर डाला, जिसमें देश विरोधी नारे लगाए। फैजल खान नाम के शख्स की गिरफ्तारी हुई है। जबलपुर हाईकोर्ट ने उसे इस शर्त पर जमानत दी कि वो हफ्ते के दो दिन 21 बार भारत माता की जय बोलने का आदेश दिया उसे। आज उस शख्स को भोपाल के एक थाने में हाजिर होना पड़ा, 21 बार तिरंगे को सलामी देकर भारत माता की जय बोलना पड़ा। भारत माता की जय, 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 भारत माता। हाई कोर्ट के आदेश के बाद फैजल को पुलिस सुरक्षा के बीच लाया गया है तिरंगे को सलामी देने के लिए। फैजल आप देख सकते हैं, ये तिरंगे को सलामी दे रहा है फैजल, सामने तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और फैजल को हर महीने के पहले और चौथे मंगलवार को तिरंगे को सलामी देनी है, और उसी के साथ फैजल यहां पे तिरंगे को सलामी देते हुए भी आपको दिख जाएगा। और फैजल ने क्योंकि जो नारे लगाए थे उसके बाद पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी की थी, और कुल 21 बार फैजल जो है वो भारत माता की जय के नारे भी लगा रहा है। और ये तस्वीरें बता रही है, भारत माता की जय, 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 तिरंगे को भारत माता की जय। फैजल ने इसी साल की शुरुआत में जो नारे लगाए थे उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई थी, और कोर्ट ने जब फैजल को जमानत दी थी तो उसके बाद ये शर्त जोड़ी थी कि फैजल अगर पुलिस थाने में जाकर के मंगलवार जो पहला और चौथा मंगलवार होगा उसमें भारत माता की जय के नारे लगाएगा तिरंगे को सलामी देते हुए, तो फिर कोर्ट उसके आगे की सजा पर विचार करेगी। फिलहाल फैजल को हाई कोर्ट से इसी शर्त के तहत बेल दी गई है, और उसी शर्त का पालन करने फैजल उर्फ फैजान आज राजधानी भोपाल के मिसरौद थाने पहुंचा है, जहां पर उसने तिरंगे को न केवल सलामी दी बल्कि भारत माता के जय के नारे भी लगाए। कैमरामैन प्रतीक के साथ अवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक। और रवीश पाल ने इसी शख्स से बातचीत की है जिसने भारत विरोधी नारे लगाए थे, उसके बाद उसे कोर्ट का फरमान आया था, सुनिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है फैजल उर्फ फैजान, जो भारत माता की जय के इसने नारे लगाए हैं। ये बताइए कि क्या हुआ था उस दिन? सर मैं तो एक वीडियो बना रहा था, रील बना रहे थे डालने के लिए, तो उसमें मैं ऐसे गलती से हिंदुस्तान और उसके इससे गल गया था, देशभारी में गलती हो गई, इससे अब दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं हुई, भारत में होते भी और न किसी से हुए। आज आपने क्या किया? आज मैंने सलामी दी है 21 बार, और 21 बार सलामी देते रहूंगा हमेशा। गलती का एहसास है आपको? जी बिल्कुल। अच्छा, एक बार फिर से बोल दीजिए जो आज आपने यहाँ बोला, भारत माता की जय। आप देख सकते हैं ये फैजल है जिन्होंने भारत माता की जय के नारे लगाए हैं, आज तक से बात भी की और अपनी गलती का एहसास भी होते हुए इस पे एक तरीके से माफी भी मांगी है। प्रतीक के साथ अवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक।